अररिया से बड़ी खबर है, जहां पर जिला अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। चोरी के आरोपी को यहां पर बेड नहीं मिला है। युवक को पुलिस कर्मियों ने फर्श पर लिटा दिया। मेडिकल के लिए ये युवक लाया गया था। युवक पर किसी डॉक्टर को दया तक नहीं आई। बेड खाली होने पर भी यहां पर बेड नहीं दिया गया। तो बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमानवीय चेहरा दिखा है डॉक्टरों को। मरीज को यहां पर बेड तक मुहैया नहीं कराया गया, उसे फर्श पर लिटा दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलिया के अस्पताल की, जहां पर डॉक्टरों का बेरहम चेहरा सामने आया है। जानकारी के साथ संवाददाता सर्वेंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद, जिस तरह से यहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, डॉक्टरों की संवेदनहीनता तो है ही, लेकिन मंशा यहां पर व्यवस्थाओं पर भी है। क्योंकि ये जो आरोपी था, ये जिला अस्पताल आया था, और आने के बावजूद जो डॉक्टर हैं, बेड खाली होने के बावजूद भी इन लोगों ने उसको फर्श पे लिटा दिया। और जब 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 जो यहाँ के डॉक्टर है उनसे पूछा हम लोगों ने कि क्या मामला है, क्यों ये फर्श पे लेटा हुआ है, तो वो सीधे उन्होंने कोई भी बात नहीं बताई और सीधे कहा कि ये आरोपी है, चोरी का आरोपी है, लिहाजा इसको अलग लिटाया गया है। जहाँ पे देखा जाए डॉक्टर जो यहाँ के जिला अस्पताल का जो स्टाफ है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जी सही है, लेकिन डॉक्टर के लिए तो मरीज होता है, वो चाहे गुनहगार हो कुछ भी हो, पहला फर्ज उसका यह है कि उसको इलाज मुहैया कराए, बेहतर सुविधाएं दे, लेकिन यहाँ पर फर्श पर लिटाकर किस तरह का यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की डॉक्टरों ने, तो उनकी साफ तौर पर संवेदनहीनता ही है। बिल्कुल, डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप होता है, लेकिन यहाँ पे जो देखा जाए तो डॉक्टर पूर्ण रूप से दोषी है, यहाँ पे दोषी है पूर्ण रूप से। और खासकर जो ये आरोपी था, जो ये आया हुआ था और इसको जिस तरीके से फर्श पे लिटाया है, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे के जो स्टाफ है पूर्ण रूप से वो इसमें जी दोषी है यहाँ पे। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया सर्वेंद्र।